कहीं नहीं जाऊंगा मैं। सनक तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। पागलों की तरह प्यार करता हूं मैं तुमसे। आई लव यू मैडली, आई लव यू जनक। जनक तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे बिना एक भी दिन बिताना मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं जी नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल जी नहीं पा रहा तुम्हारे बिना। दिल में अजब उलझन सी है, आजादी ये बंधन सी है, कैसी ये डोरी जुड़ जो ना पाए, है राहें अलग तेरी मेरी। हम दोनों दिया के दो किनारे। काश मैं मर जाती, मरने के बाद तुम अच्छे से जी पाते ना। What? हाँ, मैं जिंदा लौट कर ही क्यों वापस आई? कोई जरूरत नहीं थी इस चीज की, क्योंकि मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। जिंदगी तो खत्म हो ही चुकी थी मेरी। मुझे साधु बाबा मिले, उन्होंने मेरी जान बचाई। बाबा का आशीर्वाद और साधु बाबा ट्रीटमेंट और दोनों की वजह से आज मैं जिंदा खड़ी हूँ, और मेरे प्यार की वजह से। और अब अनी को शायद समझ नहीं आ रहा, पर आज झनक भी उसी मझधार में खड़ी है जिसमें वो है। प्यार करके भी नहीं बोल पा रही, पर अनी की तड़प भी उसे नहीं देखी जाती। मेरे प्यार ने भी तुम्हें बचाया है, अभी तुम ये बात नहीं समझोगी, लेकिन जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा ना, उस दिन तुम समझोगी। प्लीज ये बकवास करना बंद कीजिए। फालतू सेंटिमेंट्स की ना कोई कीमत नहीं है मेरी नजरों में। क्यों डर लग रहा है ना तुम्हें? ये सुन के डर लग रहा है? झनक मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं मर जाऊंगा ना, तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। अरे प्लीज बंद कीजिए ना ये बातें, कहा ना कोई कीमत नहीं है मेरी नजरों में इन सब की। क्यों झनक? मैं कोई नहीं हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। आप मेरे नहीं है, लेकिन होना चाहता हूं पूरे दिल से। और आज अनी झनक से प्यार की भीख मांग रहा है, पर झनक उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने पर सृष्टि कुछ भी कर सकती है अनी को। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, कोई गुड़िया नहीं हूँ कि जब अनिरुद्ध बोस का मन हुआ मेरे साथ खेलने आ गए और फिर चले गए मुझे छोड़कर। और जो आपकी जिंदगी में है ना, उनकी इज्जत करना सीखिए, उनसे प्यार करना सीखिए, अपनी फैमिली में ना शांति बना के रखिए, क्योंकि आपकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती, और जो लोग पसंद भी करते हैं ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है आपकी फैमिली में। लेकिन झनक मैं तो तुम्हारी इज्जत करता हूँ ना, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। झनक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं तुम्हें लेकर साथ जीना चाहता हूँ। मैं तो नहीं चाहती हूँ ना, ठीक है झनक, अब ये सेम बात तुम एक बार दिल से बोल दो, मुझे छू के कहो कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम मुझे नहीं चाहती। मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा मैं। हां, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा, और तुम मुझे इस चीज के लिए नहीं रोक सकती, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे पास और कभी नहीं आऊंगा। और अब झनक सिर्फ देखते रह जाती है अनी को, आखिर वो भी अपने प्यार को लेकर कैसे झूठ बोल सकती है। और अनी इंतजार करता है अपने हाथ को फैलाकर झनक के सामने।
हे भगवान, आप तो जानते हैं कि मेरा दिल क्या चाहता है, लेकिन मैं किसी का घर नहीं तोड़ सकती हूँ। सरजी को अर्शी दीदी के साथ खुश रहना चाहिए, मैं इनकी बर्बादी की वजह नहीं बनना चाहती। मैं चाहे जो बोलूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। ये संस्कार मुझे मेरी माँ से मिले हैं। आज अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी माँ भी ऐसा कर सकती थी ना, किसी और का घर तोड़ सकती थी और अपना घर बसा सकती थी वो। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा ये दुनिया ही छोड़कर चली गई वो। नहीं, मैं सृष्टि मुखर्जी का खून नहीं हूँ, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलूंगी मैं। और आज जनक कश्मकश में तो है, पर निर्णय उसे सोच समझ कर लेना है, क्योंकि उसकी ये एक निर्णय दोनों की पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या हुआ जनक, जवाब दो मुझे, मुझे छूकर कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। जो कहना था कह चुकी हूं। नहीं जनक, बस एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं। अब यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारी किस्मत है। मैं आपको चोट पहुंचाती रहूंगी और बदले में खुद हजार गुना चोट पाऊंगी। और अब एक तूफान सा है झनक के अंदर, आखिर ये कैसी तड़प है। वहीं अनी, क्यों दुख देती हो तुम मुझे इतना झनक, क्यों? एक ही जिंदगी है, तुम अच्छे से जानती हो मैं कितना बीमार था, फिर भी तुम मुझे। ठीक है जनक, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है जनक, मुझे भी तुम्हारे प्यार की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आज अनी और झनक एक दूसरे को तड़पते हुए देख तो रहे हैं, क्योंकि उस प्यार में डूबे हैं दोनों, जिसका नाम जिंदगी है। एक नदी की तरह हैं दोनों, जो साथ तो चलते हैं पर मिलते कभी नहीं। तो क्या अनी और झनक के बीच की दीवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा, जो मोम से भी नाजुक है? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। आगे के अपडेट्स में आखिर होता क्या है, जहां आपको दिखाएंगे कि आगे जाकर अनी और झनक के बीच में होता क्या है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।